अब बच्चों आ जाओ इसमें थर्ड एग्जांपल में देख लो। यहाँ पे मैंने फिर डिटरमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। इसमें हमने क्या किया, R1 रो को चेंज किया। क्या किया इसमें, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो को ऐड कर दिया। इसको कहने का क्या मतलब है कि R2 के हर एक एलिमेंट को हमने 1 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दिया, फिर R3 के हर एक एलिमेंट को एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने दो ऑपरेशन इकट्ठे लगा दिया है। यहाँ पे क्या बोला है, R3 को हटा दो। अभी तुम देखो यहाँ मैंने क्या बोला, R1 को चेंज किया R1 प्लस R2। इसका क्या मतलब है, R2 के हर एक एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करके R1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दिया। फिर क्या किया, R3 के हर एक एलिमेंट को 1 से मल्टीप्लाई करके R1 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर दिया। तो दो ऑपरेशन को मिला दिया इकट्ठे, तो क्या हो गया, R1 को हमने चेंज किया R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये डिटर्मिनेंट सेम ही है। इसको फिर तुम कैसे लिख सकते हो, प्रूफ क्या इसका मैंने दिया कि ये डिटर्मिनेंट सेम है। इसको फिर तुम क्या लिख सकते हो, R1 R2 R3 अलग अलग कर लिया ऐसे, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्यों, बिकॉज सेकेंड रो और फर्स्ट रो सेकेंड रो आइडेंटिकल है तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों, बिकॉज थर्ड रो फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है तो ये भी जीरो। तो फिर देख लो ये डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो गया, पहले डिटर्मिनेंट के इक्वल हो गया। ठीक है, अब कॉलम के लिए देख लेते हैं। कॉलम के लिए देख लो हमारे पास क्या है, C1 C2 C3 हमारे पास एक 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। इसमें हमने क्या किया, C2 को चेंज किया, सेकेंड कॉलम को चेंज किया। क्या किया, थर्ड कॉलम के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड कॉलम से मैं सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, C2 किस में चेंज हो जाएगा, C2 -2 C3, फिर यहाँ C3 और C1 तो चेंज होगा नहीं। फिर इसको मैंने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों का वैल्यू सेम होगा। इसको मैंने क्या किया, अभी डिटर्मिनेंट को अलग अलग कर लिया, इसका सेकेंड कॉलम दो एलिमेंट के सम में है तो उसको हमने दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख दिया। अब यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा सेकेंड कॉलम है इसमें तो -2 फैक्टर कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया। तो यहाँ फिर देखो सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम ये आइडेंटिकल हो गया, तो इसका वैल्यू जीरो, तो ये जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो फिर हमें क्या मिल गया, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट मिल गया। ठीक है ना, तो ये भी बात आ गई समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमारा पेज नंबर 20 भी क्लियर हो गया। अब बच्चों आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 12 में क्या है कि हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि एक मैट्रिक्स है, डायगनल मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो ये तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि डायगनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हो, डायगनल के एलिमेंट्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, डायगनल के एलिमेंट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 13 में आ जाओ, ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालो या अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट सेम होगा। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 13। अब आ जाओ प्रॉपर्टी नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये अक्सर जेई मेंस में ये प्रॉपर्टी पूछते हैं। हमारे पास क्या है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है AIJ BA स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, और लेट CIJ को हमने क्या बोला, को फैक्टर ऑफ AIJ इन n, ठीक है, इन A। इफ सी कैपिटल सी मैट्रिक्स लिया, एक CIJ मैट्रिक्स लिया, इज द मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, देन डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन। क्या बोल रहा है, समझा रहा हूँ, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखा है एन ऑर्डर का, उस मैट्रिक्स को में हमने एक दूसरा मैट्रिक्स हमने लिया सी मैट्रिक्स। ये सी मैट्रिक्स कैसा है कि ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को हमने उसके को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया। जैसे इसमें A11 है ना, तो C11 लिख दिया। मान लो कि हमारे पास ऐसा डिटर्मिनेंट है, ऐसा एक ए मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा है 2/3/3 ऑर्डर का, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ऐसा एक डिटर्मिनेंट हमारे पास, ठीक है। तो हमने एक सी डिटर्मिनेंट बनाया। सी डिटर्मिनेंट क्या बोला कि ये A डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया। तो A11 के कोफैक्टर को हमने बोल दिया C11, A12 के कोफैक्टर को बोल दिया C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, इसके बीच में रिलेशन,
ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट, डिटर्मिनांट ऑफ ए एंड डिटर्मिनांट ऑफ सी, इसके बीच का क्या रिलेशन दिया हुआ है कि डिटर्मिनांट ए पे पावर एन माइनस वन ये हो जाएगा डिटर्मिनांट ऑफ सी के, ये याद रखना। हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स लिया एन बाई एन ऑर्डर का, तो मैंने क्या बोला कि ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकालो, फिर जो ए मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दो, और फिर उस मैट्रिक्स को हमने क्या बोला सी, सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट निकालो, देन डिटर्मिनांट ऑफ सी इज इक्वल टू डिटर्मिनांट ऑफ ए टू द पावर एन माइनस वन, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 11, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 12, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 13। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रॉपर्टी था। अब कुछ प्रॉब्लम्स है उसको देख लेते हैं, जो एलिमेंट्री प्रॉब्लम है जिसको मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन वन में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालो। ठीक है, इनके इन दो डिटर्मिनांट के सम का वैल्यू निकालो। तो देखो होगा क्या कि सबसे पहले तो तुम प्रॉपर्टी याद रखो। प्रॉपर्टी जब तक याद कैसे होगा, प्रॉपर्टी क्वेश्चन सॉल्व करके। अभी जो आगे जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा इसमें प्रैक्टिस चाहिए। प्रॉपर्टी ऐसे नहीं याद होगा कि तुम प्रॉपर्टी को बैठ के रट जाओगे तो याद नहीं होगा। तुम क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो जब उसमें तुम प्रॉपर्टी यूज़ करोगे तो तुम्हें खुद ही प्रॉपर्टी याद हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या होगा कि रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर। फिर क्या हो जाएगा कि अगर सारे रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा। कोई कॉमन फैक्टर होगा अगर किसी भी रो कॉलम में तो उस कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल लेंगे। अगर हमने किसी भी रो के मल्टीपल को किसी दूसरे रो में ऐड कर दिया तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर हमने किसी भी कॉलम के मल्टीपल को किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर दिया तो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये सब फिर एक मैंने बताया रोल ओवर, वो याद रखना है तुम्हें। फिर तुम्हें याद रखना है कि अगर कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो गया तो डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा। अगर फिर याद रखना है कि अगर तुम्हें कोई भी दो रो एक दूसरे का मल्टीपल हो गया तो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अगर कोई भी दो कॉलम एक दूसरे का मल्टीपल हो गया तो भी डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो ये सब प्रॉपर्टी याद तुम्हें कैसे होगा, ये प्रॉपर्टी याद तभी होगा जब तुम क्वेश्चन पे करोगे प्रैक्टिस। प्रॉपर्टी रटोगे तो कभी याद नहीं होगा। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, हर प्रॉपर्टी तुम यूज कर लोगे ना एक एक बार, खुद ही प्रॉपर्टी याद हो जाएगा। अब जैसे देखो बोल क्या रहा है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस दो डिटर्मिनेंट के सम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, एक तो रास्ता हमारे पास क्या है कि इसको हम अलग कैलकुलेट कर ले, इसको अलग कैलकुलेट कर ले, तो यहां से एक रियल नंबर मिलेगा, यहां से एक रियल नंबर मिलेगा, ऐड कर ले। तो हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, हम जितने अभी आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस सब में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखा हमने, ये डिटर्मिनेंट देखा, इसमें हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लिया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसके रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो रो कॉलम इंटरचेंज करेंगे तो इसको एज इट इज रहने दिया, इस डिटर्मिनेंट को, इस डिटर्मिनेंट के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो रो कॉलम को इंटरचेंज करने से तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यहां पे क्या हो गया, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो C1 उसके बाद ये क्या हो गया, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ। उसके बाद हमने क्या किया कि C1 और C2 को इंटरचेंज कर दिया, सेकंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब हमने फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज करोगे ना, तो यहाँ पे 252 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट है ये 252 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड कॉलम को और थर्ड कॉलम को, सॉरी मैं गलती हो गई है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया है। ठीक है, ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो देखो ये उठ के कहाँ गया, यहाँ, ये उठ के यहाँ आ गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब तुम फर्स्ट सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करोगे ना तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा ना वो माइनस से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस आ गया। अब ऐसा करने पे क्या हो गया कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गया, बीच में माइनस का साइन है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब ये तुम बोलोगे कि पता कैसे चलेगा कि हमने यहाँ पे ट्रांसपोज लिया, फिर हमने सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो ये पता तब चलेगा जब तुम करोगे प्रैक्टिस, और कोई रास्ता नहीं है। प्रॉपर्टी तुम्हें तभी समझ में आएगा कि कौन सा प्रॉपर्टी कब यूज़ करना है, किस स्टेप में यूज़ करना है, वो तभी पता चलेगा जब तुम क्वेश्चन की करोगे प्रैक्टिस। 10-20 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन, तो खुद ही याद हो जाएगा। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है, कैन ए 2x2 डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 3x3 डिटर्मिनेंट, क्या एक 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के इक्वल हो सकता है? तो ऑब्वियस ही बात है, पहले बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है। तो ऐसा तो हो ही सकता है ना कि तुम 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो तुम्हें अल्फा मिल जाए, और 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो वो भी अल्फा मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि 4x4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करो वो भी अल्फा मिल जाए। तो हमेशा हो सकता है 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का वैल्यू और 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू बिल्कुल सेम हो सकता है, 4x4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी सेम हो सकता है, 5x5 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी सेम हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, यस। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखो ध्यान से, यहां पे मैंने क्या बताया है, यहां पे मैंने बताया है कि एक 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को तुम 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हो, 4x4 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हो, 5x5 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हो, 6x6 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख सकते हो, ठीक है। तुम कैसे लिख सकते हो, इसको देखो, हमने क्या किया कि यहां पे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या लिखा है, 1 2 3 4 लिखा है ना। तो इसमें हमने क्या किया कि फर्स्ट रो को क्या कर दिया, 1 0 0 कर दिया, और फर्स्ट रो को 1 0 0 कर दिया, यहाँ पे हमने 2 डैश दे दिया। यहाँ पे तुम कुछ भी लिखो, कोई भी एलिमेंट लिखो, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। यहाँ पे तुम कुछ भी लिख लो, कोई भी रियल नंबर लिखो, ये जो 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और ये जो 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इनका वैल्यू सेम ही आएगा। क्यों आएगा, तुम ऐसे देखो, मान लो यहाँ पे हमने कोई भी 2 नंबर लिख दिया, और इस डिटर्मिनेंट को हमने फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 1 × 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर लिखोगे तो ये फर्स्ट कॉलम ये हट जाएगा, तो ये मिल जाएगा, तो 1 × दिस तो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, प्लस 0 का लिखोगे 0 × 0 का कोफैक्टर, तो 0 × 0 का कोफैक्टर वो 0 हो जाएगा, फिर 0 × फिर अगेन 0 का कोफैक्टर वो भी 0 हो जाएगा। तो फाइनल हमें क्या मिला, 1 × दिस डिटर्मिनेंट, तो 1 × इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो यही डिटर्मिनेंट के तो इक्वल आएगा। अब तुम देखो पैटर्न क्या हो रहा है, 1 लिखा उसके बाद 2 0 लिखा यहाँ पे, अब 4x4 ऑर्डर का लिखने के बाद 1 लिखा उसके बाद 3 0 लिखा, 1 के नीचे स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पे कोई भी तुम एलिमेंट लिख सकते हो, उसके बाद फिर 1 लिखा फिर 2 0 लिखा, अब उसके बाद क्या, इस 1 के भी नीचे 2 स्पेस छोड़ दिया, अब यहाँ पे हमने फाइनली 1 2 3 4 लिख दिया। अब इस डिटर्मिनेंट जो है ना 4x4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ये 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, इस 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इस 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के इक्वल है, सारे वैल्यू सेम आएंगे। कैसे, अगर तुमने इसके फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया, यहाँ जो डैश है ना इसमें तुम कोई भी रियल नंबर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे जैसे ये इस डिटर्मिनेंट को ना हमने फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, 1 × 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर कैसे लिखोगे, इसको हटा दोगे, इसको हटा दोगे, तो ये क्या मिल जाएगा, ये चलो मैं करके दिखाता हूँ, शायद कंफ्यूज हो रहे होगे। इस डिटर्मिनेंट का मैंने वैल्यू देखा, लिखता हूँ यहाँ पे डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 - 1 0 0 - 1 2, ये स्पेस, यहाँ पे तुम कोई भी रियल नंबर लिख लो अपनी मर्जी से, मान लो यहाँ पे -5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, 9 लिख लिया, 100 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, इसका वैल्यू अगर तुमने फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो क्या होगा, 1 × 1 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर के लिए फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो हटा दिया, तो क्या बचा हमारे पास, 1 9 100 0 1 2 0 1 3 0 2 4, ऐसे बचिए। अब फिर क्या किया, बाकी ये 0 0 के लॉन्ग एक्सपेंड करोगे तो सब 0 हो जाएगा। अब फिर तुमने क्या किया कि अब फिर इसको फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया, तो फर्स्ट रो के लॉन्ग तो 1, और फिर 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर के लिए फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हटा दिया, तो हमें क्या मिला, 1 2 3 4 मिल गया। अब 0 के लॉन्ग करोगे, एक्सपेंड करोगे, तो ये 0 0 ही हो जाएगा, तो अगेन आ गया ना 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसी तरह से या इसी प्रकार से अगर आप ये 5x5 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप अगर कैलकुलेट करोगे तो ये भी 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही आएगा, ठीक है ना, ये भी 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ही आएगा, क्लियर है। कि लिखने का पैटर्न क्या है, लिखने का पैटर्न है क्या कि 1 लिखो आगे 2 0 लिखो, अगर 3x3 ऑर्डर पे लिखना चाह रहे हो तो 1 लिखो 2 0 लिखो, 1 के नीचे डैश दे दो, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट डाल दो, कोई भी रियल नंबर डाल दो। उसके बाद अगर 4x4 ऑर्डर का लिखना है तो 1 3 0 और 1 के नीचे
ऐसे करके कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। उसके बाद फिर अगेन वन, वन के आगे दो जीरो, फिर वन के नीचे कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो। अब यहाँ पे बचा ना, यहाँ भी दो एलिमेंट डाल सकते हो, यहाँ भी दो एलिमेंट डाल सकते हो, तो उसमें हमने क्या कर दिया, वन टू थ्री फोर डाल दिया। तो ये क्या हो गया, फोर बाई फोर ऑर्डर के टर्म में हमने लिख दिया टू बाई टू ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को। अब फाइव बाई फाइव ऑर्डर के टर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, वन आगे चार जीरो, फिर वन के नीचे कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, फिर आगे वन, फिर आगे तीन जीरो, फिर इस वन के नीचे कोई भी रियल नंबर डाल सकते हो, फिर वन आगे दो जीरो, इसके नीचे भी कोई रियल नंबर डाल सकते हो। अब ये बच गया, यहाँ पे चार प्लेस बच गया, इस चार प्लेस पे हमने इस डिटरमिनेंट का के नंबर डाल दिए, वन टू थ्री फोर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, फाइव बाई फाइव ऑर्डर, सिक्स बाई सिक्स ऑर्डर का भी लिख सकते हो। सिक्स बाई सिक्स ऑर्डर के डिटरमिनेंट को तुम कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो, देख लो, सिक्स बाई सिक्स कैसे लिखोगे, वन जीरो जीरो जीरो, तीन चार हो गया ना, पाँच छः, यहाँ तुम एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे लिख दिया, फिर वन जीरो 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 जीरो, वन टू थ्री फोर ऐसे लिख दिया, फिर वन जीरो जीरो जीरो, अभी भी यहाँ पे तीन है तो वन जीरो जीरो, यहाँ पे दो, अब यहाँ पे चार एलिमेंट बचे ना, चार एलिमेंट पे वन टू थ्री फोर लिख दो। तो हमने क्या कर दिया, इसे सिक्स बाई सिक्स ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिख दिया, किसको, टू बाई टू ऑर्डर के डिटरमिनेंट को। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू और जो टू बाई टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, उन दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है,